बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रोची जो है फ्रेंच ब्रेड है, इसे एज अ स्नैक, डेजर्ट और ब्रेकफास्ट के तौर पे खाया जाता है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए एक कप आपने दूध लेना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, और साथ ही 1 टेबल स्पून ईस्ट डालकर इसको मिक्स कर लीजिए। अब एक बाउल ले लीजिए, उसमें 2 कप आपने ऑल पर्पज फ्लोर मैदा ऐड करना है। 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दीजिए, साथ ही 2 अंडे लेने हैं आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद 1 कप आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। दूध और ईस्ट का मिक्सचर ऐड करने के बाद 50 ग्राम आपने अनसॉल्टेड मेल्टेड बटर ऐड करना है, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम अच्छे से नीट कर लेंगे हाथों की मदद से। इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से हाथों की मदद से गूंद लिया है। इसके मैं 2 पार्ट कर लूँगी और इनको अलग अलग बाउल में रख दूंगी। अब यहाँ पे आपने 1/4 कप कोको पाउडर लेना है, जो हमने हाफ निकाला था, उसमें पूरे अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। अब इन दोनों को मैं एटलीस्ट 1 आवर के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी, ताकि बहुत अच्छे से राइस हो जाए। जी जनाब, 1 घंटा हो गया है और देखिए डो बहुत अच्छे तरीके से राइस हुई है। अब इसमें 2-3 मक्खियाँ लगाकर इनकी हवा निकाल लीजिए, और साथ ही इस तरीके से पेड़े बना लीजिए। 6 मैंने कोको पाउडर वाले बनाए हैं और 6 मैंने नॉर्मल बना ली हैं। इसको सिंपल आपने रोटी की तरह बेल लेना है। आप चाहें तो 6 से ज़्यादा भी आप इसे बना सकते हैं। अब इसको एक पैन ट्रे पर मैंने रख लिया है, नीचे बटर पेपर लगा दिया है, और ऊपर मैं यहाँ पर ब्रश की मदद से बटर लगा रही हूँ, और इसके ऊपर मैंने वाइट लेयर लगा दी है। नीचे मैंने कोको पाउडर की लगाई है। इसी तरीके से अब मैं दोबारा से कोको पाउडर वाली लेयर लगाऊंगी। अगेन इसी तरीके से यही स्टेप चलता रहेगा, और हर लेयर के बाद आपने इसमें बटर लगाना है। सारी लेयर कंप्लीट होने के बाद आपने नाइफ़ की मदद से इस तरीके से कट लगाना है, एक हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली, फिर अगेन से क्रॉस करना है इस तरीके से। देखिए, बहुत सॉफ्टली हाथ से आपने इसे कट लगाना है, कि बिल्कुल नीचे तक आपके कट अच्छे से लग जाएं। कट इस तरीके से लगाने के बाद अब आपने एक एक लेयर उठानी है, और इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपने 1/1 करके इसे उठाना है। देखिए बहुत अच्छे से स्मूथली एक एक लेयर उठ रही है। उसकी वजह ये है कि हमने हर लेयर में बटर लगाया था। इसी तरीके से यहाँ पर मैं सारी लेयर इस तरीके से उठाऊँगी, और पूरा डिज़ाइन बहुत अच्छे से ये बन जाएगा। साथ ही प्री हीट ओवन कर लीजिए 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पर ये पूरा रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पैन ले लिया है, पैकिंग पैन, उसमें यहाँ पर नीचे बटर पेपर लगाकर ऑयल स्प्रेड कर दीजिए ब्रश की मदद से, और इसे सेट कर लीजिए, और इसे कवर कर दीजिए एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद अब मैं इसमें ऊपर से नट्स डाल रही हूँ। आपके पास पीनट हो, हेजलनट हो, बादाम हो, वो इसमें डाल दीजिए, और इसे 30 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छे से सॉफ्टली बेक हो गया है। इसकी लेयर्स आप चेक करें, और साथ ही यहाँ पर मैंने सेंटर में चॉकलेट रख दी थी, मेल्ट करके आप इसे चॉकलेट रख दीजिए, और देखें इसकी लेयर कटने के बाद यहाँ पर, और इसे आप चॉकलेट के साथ इंजॉय कीजिए। बहुत सॉफ्ट ब्रेड बनी है ये, देखिए। इसे आप इंजॉय करें एज अ स्नैक, ब्रेकफास्ट और डिज़र्ट के तौर पर भी। प्लीज़ जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।